If sum of third and eighth terms of an AP is 7 and sum of 7th and 14th term is negative 3, then find 10th term. यहाँ पे आंसर फॉर एन एपी, एक पर्टिकुलर एपी में सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म्स, थर्ड टर्म इज T3 एंड एट्थ टर्म इज T8, सो सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म्स, सो सम ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7. वैसे ही नेक्स्ट का क्या है, सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म, सो 7th इज T7, 14th इज T14, द सम इज नेगेटिव 3. ओके, ये दिया है. सो क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द 10th टर्म. सो क्या फाइंड करना है, टू फाइंड 10th टर्म, दैट इज नथिंग बट T10. ओके, सो अभी यहाँ पे फर्स्ट क्या है, ये दोनों का सम, ये दोनों का सम मतलब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो. फॉर्मूला इज़ Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 d. सो पहले का T3, सो T3 इज इक्वल टू a प्लस n का प्लेस में 3 है, सो n इज 3 माइनस 1 d. सो T3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 2 d. नेक्स्ट, दिस इज इक्वेशन 1. नेक्स्ट T8, सो T8 क्या है, a प्लस 8 माइनस 1 d. सो T8 इज इक्वल टू a प्लस 8 माइनस 1 7 d. सो कंसिडर दिस एज इक्वेशन 2. अभी हमें क्या फाइंड करना है, T3 प्लस T8, ये फाइंड करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसको हमें सॉल्यूशन में लेना है. सो T3 प्लस T8, T3 प्लस T8 इज इक्वल टू T3 कितना a प्लस 2 d, प्लस T8 कितना a प्लस 7 d. सो इक्वल टू a प्लस a 2 a प्लस 7 प्लस 2 9 d. ये इक्वेशन 3 है और यहाँ पे इसके सामने लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2. ओके, नेक्स्ट T3 प्लस T8 इज इक्वल टू दिस. नेक्स्ट, सो फर्स्ट का सेट हो गया. अभी सेकंड का T7 एंड T14. सो T7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 d. यहाँ पे n का प्लेस में 7, सो देयरफॉर T7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 6 d. इक्वेशन 4. नेक्स्ट T14, सो T14 इज इक्वल टू a प्लस 14 माइनस 1 d. सो T14 इज इक्वल टू a प्लस 14 माइनस 1 13 d. इक्वेशन 4. अभी ये जो इक्वेशन है T7 प्लस T4, देयरफॉर T7 प्लस T14 इज इक्वल टू T7 कितना a प्लस 6 d, प्लस T14 कितना a प्लस 13 d. ये कहाँ से, इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4. सो दिस इज इक्वल टू T7 प्लस T14 इज इक्वल टू a प्लस a 2 a, 13 प्लस 6 19 d. इक्वेशन 5. सो अभी कौन सी इक्वेशन मेन है, यहाँ पे T3 प्लस T8 को ऐड करने के बाद जो मिला, T3 प्लस T8 को ऐड करने के बाद ये इक्वेशन 3 है, और एक T7 प्लस T14 को ऐड करने के बाद जो मिला है वो इक्वेशन 5 है. ये दोनों को हमें इक्वलाइज करना है. सो कैसे करेंगे, ठीक है, सो यहाँ पे इक्वेशन 3, T3 प्लस T8 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d फ्रॉम इक्वेशन 3. सो इक्वेशन 3, T3 प्लस T8, यहाँ पे T
टी थ्री प्लस टी एट का वैल्यू कितना है, 7। गिवन में क्या दिया है, यहाँ पे गिवन में दिया है टी थ्री प्लस टी एट इज इक्वल टू 7। सो टी थ्री प्लस टी एट का प्लेस में हम 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 2a प्लस 9d। रीज़न लिखना है गिवन। सो देयरफॉर 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। कंसिडर दिस एज इक्वेशन 6। सिमिलरली टी सेवन प्लस टी 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 19d। ये कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 5। सो टी सेवन प्लस टी 14 का वैल्यू कितना है, -3। ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया है 2a प्लस 19d। कंसिडर दिस एज इक्वेशन, ओके इसको ठीक से लिखो, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3। उल्टा 2a प्लस 19d को पहले, -3 को बाद में। फ्रॉम दिस इज इक्वेशन 6, 7। अभी इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन को सॉल्व करो, 6 एंड 7। सो यहाँ पे इक्वेशन 6 में भी 2a है, इक्वेशन 7 में भी 2a, दोनों पॉजिटिव। सो एक को कैंसिल करना मतलब सब्ट्रैक्ट, दूसरे सेकंड का टर्म का साइन चेंज होना है, सो सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट, सी 9 इज स्मॉलर, 19 इज़ बिगर, सो 9 को 19 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 7, उल्टा भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। सो पहले 7 लिखना है, सो 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3, और इक्वेशन 6 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। सो सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होता है सेकेंड टर्म का, सो तब क्या होगा, यहाँ पे माइनस। सो पॉजिटिव 2a नेगेटिव 2a कैंसल्स, पॉजिटिव 19 नेगेटिव 9 सब्ट्रैक्ट करके बिगर नंबर साइन, सो 10d, बिगर नंबर इज 19, साइन इज पॉजिटिव, इक्वल टू यहाँ पे -3 एंड -7, दोनों नेगेटिव है तो एडिशन रूल ऑफ इंटीजर के हिसाब से ऐड करके नेगेटिव साइन ही डालना रहता है। -7 + 3 = 10, देयरफॉर d इज इक्वल टू -10 बाय, ये 10 को यहाँ पे लेते वक्त डिवाइड 10 होता है, 10 ones are 10, देयरफॉर d इज इक्वल टू -1। अभी डी मिलने के बाद एक का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सब्स्टिट्यूट डी इज इक्वल टू -1 इक्वेशन। हाँ इक्वेशन कौन सी लिया था लास्ट का, ये दो, इसमें दोनों में कौन सी भी एक लेना है, 2a प्लस 19d, ओके 2a प्लस 19d इक्वल टू -3, इक्वेशन 7 है ना, इन इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 7 क्या है, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3। सो 2a प्लस 19 इंटू डी का प्लेस में -1 इक्वल टू -3, 2a प्लस इंटू माइनस माइनस 19 ones are 19 इक्वल टू -3। नेक्स्ट स्टेप 2a इज इक्वल टू -19 को उस तरफ लेना है, उससे पहले जो -3 है वो लिखना है, नेगेटिव पॉजिटिव होगा उस तरफ लेते वक्त। सो 2a इज इक्वल टू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके बिगर नंबर साइन, सो 16। देयरफॉर a इज इक्वल टू 16, ये 2 को इस तरफ लेते हो डिवाइड 2 होता है, 2 ones are 2 8 times, देयरफॉर a इज इक्वल टू 8। अभी वैल्यू ऑफ a एंड d मिलने के बाद हम ap आराम, हाँ हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है फाइंड टेंथ टर्म। सो टेंथ टर्म इज़ नथिंग बट टी 10, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू -1 टू फाइंड टी 10। सेम फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, टी 10 एन का प्लेस में 10 फाइंड करना है ना, सो ए इज 8 प्लस 10 - 1 इंटू -1, सो 8 प्लस 10 - 1 9 इंटू -1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 पॉजिटिव इंटू -, 9 ones are 9, देयरफॉर टी 10 इज इक्वल टू, एक पॉजिटिव ले लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके बिगर नंबर साइन डालना है, 9 - 8 1, सो -1
1. 10th term is -1.